आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जागृति महिला मंडल, जागृति एनक्लेव, आनंद विहार, क्षेत्र दिल्ली। महाराज की।
जब रास्ते में चला तो वहीं खड़ा था वो पीछे। माता की जय हो, भाषा गिनवानी माता की जय हो, धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। तुम तो पद पंकज पूजते बिखरे रोग तेरी जाय सत्र में जिता को धरे विसनी विस्ता जाय चक्री खग धरे इंद्रपद मिले आप ते आप अनुक्रम कर शिव पद लई नेम सकल हरि पाप तुम बिन मैया कुल भयो जैसे जल बिन बीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव जिनवानी माता की इति दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत।
हमारी माँ जी ने श्वेत और चंद्रमा मंगलम हरिहंता मंगलम पेला मंगलम साहो मंगलम पेली पनडो धम भव मंगलम चचारी लो गौतम हरिहंता लो गौतम सीता लो गौतम साहो लो गौतम केवली पनडो धम भव लो गौतम चकरी सन्नम पव जम हरिहंता सन्नम पव जम शिष्य सन्नम पव जम साहू सन्नम पव जम केवली पनडम धम सन्नम पव जम ओम नमो स्वादी विपरी पुष्पांजलि क्षिपेत पुष्पांजलि क्षिपेत ओम ओम भगवत गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण मार्गम निरुपामते उदक चंदन तंदुल पुष्प के चतु दीप स्वरूप फल अर्घ के उदक चंदन तंदुल पुष्प के गई चतु दीप स्वरूप फल अर्घ के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रह जिन नाद माम्य जय ओम ऋषि भगवत जिन सजग जय शम सजा जनय दमन तम चतुष्टयाम त्रिमूल तंग सुद्र साम सुपेत स्वस्ति त्रिलोक गुरु बीजिन पोंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहज चौदण स्वस्ति प्रसन्न ललिता सत्य छंद विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभास हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है वो नमो कार है वो नमो कार है देखो चौदह सिलाक मंत्रों का जो सरदा सबसे दिनवन डेरे दि मंगल पाए शिव कांतावरे ये पांच पदों की माला सुख पाए जपने वाला ओ आ ओम रिमरण सिद्धा चरपदर सर साधु चिंतरम जिनागम चिंचित ब्रह्मा अनर्ग पद प्राप्त यज्ञ निरूपामते स्वाहा शुचि निर्मल आएंगे आदि सागर विधान क्लिक करो आचार्य आदि सागर जी महाराज जी का आचार्य पदार्थ भक्ति से आदि गुरुवर को जिनेन्द्र कथित गणधर देवर चित जिनागम अशेष ज्ञान संपूर्ण आगम अत्र अवतर अवतर सम्मोषटी आवाहन अत्र दिष्टटे स्थापना अत्र मम सन्निधौ भववशट सन्निधि करणम दिव्य परिपुष्प भविता पौसे जपते हुए गम कर्मों से सतागे पर बस गंतित चंचन ले कर चरण सरण में आगे ओम कारमय जिन वाणी को अपने हृदय बसाए प्रमुदित होकर विशुद्ध भाव से पूजा आज रचाए ओम रिम श्री जिनेन्द्र दिव्यधन संपन्न परमांग बायांग प्रविष्ट रूप द्वादश अंग श्रुति ज्ञान संसार ताप विनाश नय चंदनम निरुपामते खंड खंड पद में अट गए पद अखंड न पागे अक्षय पद पाने को अक्षत अक्षय लेकर आ गए ओम कारमय जिन वाणी को अपने हृदय बसाए प्रमुदित होकर विशुद्ध भाव से पूजा आज रचाए जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि संपन्न परम अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप द्वादशं श्रुत ज्ञानाय अक्षय पद प्राप्त अक्षदाम निर्वपामिति काम बलि के वश में होकर सारा जग भटकाए काम बाण विध्वंस हेतु हम पुष्प समय गौतम मुनीश जो विशुद्ध ज्ञान के हुए ईश अनुबंध के बलि हुए तीन जो निज आत्म में हुए लीन धर्मोपदेश दर्शन ने मन में लगे टेस हो रहा ज्ञान का बहुत दास आशंक अंगाश ज्ञान का उनके पास सोच समझ के ना विचार अब लिखा जाए तत्वों का सार अर्थ ने दिया चारे महान जो सब संतों में थे प्रधान
तब लिख कर भेजा सब संदेश संत भजिए ज्ञान विशेषा गाय भूत बलि पुष्प दंत ते ज्ञानी ध्यान श्रमण संत गुरु वर का जो सम्मान किए त्रिद विद्या गुरु प्रदान किए वो त्रिद को लोलद के ने जित ज्ञान पुष्पांजलि छपेद करते हैं प्रारंभ विशुद्ध स्कंद विदान पुष्पांजलि करते प्रथम आगम का करने गुणगान अथ प्रथम कोष्ठ परि पुष्पांजलि मंडप पे पुष्पांजलि कर प्रथम बलेगी अर्घ प्रारंभ हो रहे हैं साउंड वाले भैया थोड़ा आवाज बंद कर जाना कम कर बोल रहे हैं आएंगे प्रथम वर्ग मंडप पे चढ़ाएंगे एक 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 दो दो जने करके आएंगे और मंडप पे आकर चढ़ाएंगे ठीक है इंद्रिय मन के योग से होता सम्यक मति ज्ञान पावन अवग्रहीय अवधारणा चार वेद अति मन भावन जिन मुखोद्भव गणधर गुंती त्रिशत षट त्रिशत भेद रूप मति ज्ञानाय अर्घ्यम निर्वपामिति जिन वर कथित सुगण गुंती द्वादशांग शुद्ध ज्ञानाय अर्घ्यम निर्वपामिति आचारंग मुनिचरिया का जिसमें है संपूर्ण कथन समिति गुप्ति व्रत श्रुति का भी इसमें है पूरा वर्णन ओम रीम अष्टाद सहस्र पद भूषित प्रथम आचारंग श्रुत ज्ञान अर्घ्यम निर्वपामिति निर्वपामिति स्थानांग तीसरा पद है देख शोध तल पर चलना एक एक दो रूप है पावन शब्द अर्थ मई है तृतीय स्थानां अर्घ्यं निर्वपामिति चौथं समवायान शास्त्र अरुभाव प्रदान धर्मा धर्म जीव के संक प्रदेश का तथा प्रमाण 164,000 ही शुद्ध पदको में सिर नाऊ अष्ट द्रव्यमय अर्घ चढ़ाऊ द्याऊ गाऊ हर्षाऊ चतुष्टी सहस्र पद भूषित चतुर्थ समवायांग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यं निर्वपामिति पंचम अंग व्याख्य प्रज्ञप्ति विज्ञानमयी जो ही पावन 60,000 प्रश्न जीवांतिक उत्तर सहित जमन भावन लाख दोए 28 से इसमें सुत पद को मैं शिरना हो अष्ट द्रव में अर्घ्य चढ़ाओ ध्यानो गाओ हर्षा ओम ब्रीद वै लक्ष अष्टविंशत सहस्र पद भूषित पंचम व्याख्य प्रज्ञप्ति अंग श्रुत ज्ञानाय अर्घ्यं निर्वपामिति तीर्थंकर आदिक पुरुषों के गुण वैभव का किया कथन ज्ञान धर्म कथांग है षष्टम धर्म कथाओं का वर्णन 5,56,000 पद त्रुत पद को मैं शिरना हो अष्ट द्रव में अर्घ चढ़ाओ ध्यानो गाओ हर्षाओ ओम प्रेम 5,65,000 पद भूषित ज्ञातृ धर्म कथांग श्रुत ज्ञानाय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति सप्तम अंग उपासक अध्ययन श्रावक चरिया का वर्णन मूल गुणों और कर्तव्यों का जिसमें है संपूर्ण कथन 11,70,000 अक्षर सहित जानिए अंग ब्रह्म का ओम ह्रीम चतुर्दशम निषेधिका प्रकीर्णक शुद्ध ज्ञानाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति शुभम अर्थ लिंग श्रेष्ठ बोधि समाधि का निदान है अनु पुराण का श्रेष्ठ कथन बुद्ध दिव्य ध्वनि प्राप्त प्रतिमान योग रूप शुद्ध ज्ञाने बिनमा अर्घ्यं निर्वपामिति युगपति लोक लोक झलकता छत्र गति का शुभ वर्णन करुणा नियोग शास्त्र का करते करण चरण द्वारा वंदन जन्म खुद बुद्ध दिव्य ध्वनि करुणा नियोग रूप शुद्ध ज्ञाने बिनमा अर्घ्यं निर्वपामिति मुनि और श्रावक की चर्या का जिसे होता है ज्ञान चरणा नियोग शुभ कहां गया वह जो है वीतराग विज्ञान ओम ऋषि जिन खुदबुद दिव्य ध्वनि चरणान योग रूप शुद्ध ज्ञाने बिना मार्गम निर्वपामिति जीवा जीव सत्य कहेंगे मंद मोक्ष पुनर पाप द्रव्यान योग शास्त्र के द्वारा जिन को जान लीजिए ओम ऋषि जिन खुदबुद दिव्य ध्वनि द्रव्यान योग रूप शुद्ध ज्ञाने बिना जला दिया अर्घ्यम निर्वपामिति दिव्य देशना श्री जिनेन्द्र की चौवन योग स्वरूप कहीं प्रथमानि शुभ करण चरण अर द्रव्यान योग स्वरूप रहे ओम ऋषि जिन
चिन्मुखत बुद्धि विद्वानी चाहु अंग अनुयोग स्वरूप संपूर्ण शिक्षाना है अर्घ्यम निर्वपामिति इस बारे कोटि दिरा से नाक सहज के अठावन पांच पदों से युक्ति ज्ञान गोम विशुद्ध भाव से अभिनंदन ओम ऋषि जिनवर कथित गणधर गुंते द्वादशांग श्रुत द्वादश धिक द्वादश धिक शत कोटि त्रिंशति लक्ष अष्ट पंचाशत सहस्र पंच भेद रूप शुद्ध ज्ञान अर्घ्यम निर्वमामिति जगत वर्णमाला के चौसठ संयोगी अक्षर है ज्ञान कालय नदि से वर्ण दिखे आगम से होता है ज्ञान एक आठ चौ चौसठ सप्तम चौ चौसठ सप्त त्रय सात शून्य और नव पांच पांच एक छह एक पांच रहे विज्ञान ये कुल बीज प्रमाण अंग गए धन्य रहे आगम श्रुत ज्ञान तीन योग से नमन हमारा रहे हृदय में ओम ऋषि जिन मुखत भूत गणधर गुंतित संपूर्ण मूल एवं संयोगी अक्षर स्वरूप शुद्ध ज्ञान अर्घ्यम निर्वपामिति शब्द श्रृंखला से निर्मित हो गए लौता है वह शुद्ध ज्ञान द्रव्य भाव शुद्ध भेद रहे दो होते दोनों ज्ञान प्रमाण उद्गल द्रव्य रूप अक्षर में जो भी है त्रित का वर्णन द्रव्य सुश्रुत कहलाता पापन श्रुत का गे सत्संदन ओम ऋषि जिन मुखत भूत पूर्णार्घ्य है सभी को ध्यान दे ओम ऋषि जिन मुखोद्भूत दिव्य ध्वनि प्राप्त द्रव्य भाव श्रुत ज्ञाने बिणमा पूर्णार्घ्य निर्वपामिति आएंगे 27 बार जाप करते देखो सभी लोग स्वाहा बोलेंगे इधर 27 बार बोलेंगे आप लोग जितने बैठे हो उससे मल्टीप्लाई कर लो उतने जाप हो जाएंगे बब जीव सुन कर जिन वाणी करते यथा योग श्रद्धा ज्ञान और चारित्र प्राप्त कर करते निज आत्म का दान केवल ज्ञानी का होता है अक्षय केवल क्या दान दिव्य देश नामे करता है उस अनंत का भागरन दिव्य धनि में जितना करता गणधर जेल पाए कुछ अश गणधर में जितना जेला है उसका रचपाति कुछ अश महावीर शासन है या उनकी वाणी का है ज्ञान गौतम स्वामी ने जेली है दिव्य देश ना यह सम्मान और मोक्ष मन परमा विवेक गौतम ने किया और यह उपदेश बार बार वर्ष धर्माचार्य ने दिया उपदेश संपन्न संपूर्ण परम शुद्ध ज्ञान है जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति जिन वाणी को बोझ कर हृदय जगे श्रद्धान अष्ट कर्म का नाश कर पाए केवल ज्ञान इत्या श्रीमद् देवी पुष्पांजलि क्षिपेत ने यहाँ बुलाया आओ आओ जी प्रतिष्ठ तिष्ठ जी उठेर उठेर जी आदि गुरु राज पधारो मन मंदिर आओ आओ जी गुरु महाराज पधारो मन मंदिर ओम रिम शांति सागर मणिम ग्रह अत्र उत्तरोत्तर सम्मोषण अत्र दृष्टिश्रय स्थापनम अत्र मम वसत सन्निधिकरणम वसत सन्निधिकरण दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत तन सुर बिद भाव कलाय गुरु के चरण देव चढ़ाय प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सागर जे गुरुवर रे प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव ओम निशानी सागर सच गुरु परम संसार दा विनाश चंद्रम निरुपम ते स्वा शब्दमय अक्षत बनवाय पर पर मुट्टी देव चढ़ाय प्रथम गुरुदेव जय जय नाथ प्रथम गुरुदेव आदि सागर जे गुरुवर रे प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय प्रथम गुरुदेव ओम ऋषि सगज गुरु परमाक्ष प्रत्यक्षताम निरुपामते स्वा कोमल वाणी पुष्प बनाए काम बाण तोर तीन श्याय प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सगज जय गुरुदेव ने प्रति करो चरण के सेव प्रथम गुरुदेव जय जय नाथ प्रथम गुरुदेव ओम ऋषि सगज गुरु परम काम बाण विनाशनाय पुष्प निरुपामते तनय बनाने वेद्य बनाए सदारोग नाशे दुखदाय प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सगज जय गुरुदेव ने प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव ओम ऋषि सगर आदि सगर गुरुभ्यो नमः सुदारक विनाशनाय निवेद्यम निरुपामते स्वाहा मनियर बाब का दीप बनाए आरती कर मोहन दिन शाय प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सगर जे गुरुदेव ने प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव ओम रिम शांति सागर जी गुरु बिना मोहन कर विनाश नय दीपम निर्पाम तीस नवयो मन के दोप बयान अष्टम अंग चरण जग जाय प्रथम गुरुदेव जय जय होय प्रथम गुरुदेव आदि सागर जे गुरुदेव ने प्रति करो चरण की सेव नय जय गुरुदेव प्रथम देव जय जय गुरुदेव
ओम रिम शादी सगति कृपेल मानक शकर में लेना है धूपम निर्वाम ते स्वाहा शीश को श्री फल दिया बनाए गुरु नदी सागर जे गुरुदेव बने प्रति करो चरण की सेव प्रथम गुरुदेव जय जय हो ये प्रथम गुरुदेव ओम रिम शक्ति सगति कृपेल मानक पर प्रत्यक्ष धाम निर्वाम ते स्वाहा चंचल मनी है शांत होए शांति धार कराए शांति सागर गुरु चरण मुक्ति शीश झुकाए शांति शांति धारा देवरी पुष्पांजलि क्षिपेत जय कमल गुलाब के कोमल पुष्प मंगाए आदि सागर गुरु चरण पुष्पांजलि चलाए देवरी पुष्पांजलि क्षिपेत चौबीस जिनेश जो है और पंचम चौबीस जिनेश जो है और पंचम पंच गुरु सो है गुरु इनकी स्तुति गाए हम चरण शीश झुकाए ओम निशेषति अवश्य गुण धारा का जो शारीरिक सगुण गुरु बिन मन पर प्राप्त है रघु निरपाम ते स्वा इति तीर्थ करती भक्ति करते पाने को मुक्ति वंदना करे गुरु देवा मिल जाए चरण की सेवा ओम निश वंदना अवश्य गुण धारा का जो शारीरिक सगुण गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वा विनी राज में दोष लगा जाओ आलो चंचत करे वो प्रति मन कर करे गुरु लाए हम चंदन ध्यान लगाए ओम रिम शिपति कमण वश्य गुण धर का चुशाले सगर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वा त्रियोग से वस्तु करे त्रियोग से वस्तु करे त्यागे मन शोक शोक तन ना जागे गुरु प्रत्या ज्ञान बनाए चरण चरण हम शीश झुकाए ओम रिम शिपति कमण वश्य गुण धर का चुशाले सगर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वा तन से गुरु मोह हटाते निध आत्म ध्यान लगाते आदि गुरु को पुण्य अर्घ अर्पण करे ओम ऋषि षडावश्य गुण धर का चुशाली सगर गुरु बिन मार्ग निरुपाम ते स्वाहा नहीं क्रोध पास में आता सम भाव हृदय में भाता आदि सागर गुरु देवा तुम चरण में आता ओम ऋषि उत्तम सम गुण धर का चुशाली सगर गुरु बिन मार्ग निरुपाम ते स्वाहा नहीं मान आपके मन में मार दम रश में रग रग में आदि सागर गुरु देवा तुम पसो हमारे मन में ओम ऋषि उत्तम मार दम गुण धर का चुशाली सगर गुरु बिन मार्ग निरुपाम ते स्वाहा भई अंतर एक बनाया माया को न ठहराया आदि सागर गुरुदेव शरण आपकी आया ओम निशुद्ध मार्ग गुण धर का चुशाल सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वाहा सुचि स्वाम से पाया चुशाल सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वाहा पुत्तल गरी पर श्री गुरु बनते स्वयं का दीक्षा दारी बीसवीं सदी के प्रथम मुनि गो प्रथम सूर्य सुतारी दो जन जाए आचार्य को निवेदन करके आए प्रवचन के लिए हाँ अभी टाइम हो गया विधान भी हो गया ओम ऋषि मुनि पंजन अच्छे शांति सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते एक वस्तु आहार मिले चाहे मिले वो पानी समता भावो से ने करके त्याग तपस्या चाहे ओम ऋषि एक वस्तु आहार अच्छे शांति सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते सब दिवस में एक दिवस की गुरु पर आहार करते निरारय कर करके मुनि पर आत्म को प्रपते ओम ऋषि सब दिवस के कारण अच्छे धर का चेष्टा सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते एक मास त्रय मास तथा छह मास उपवास करते गिरी गोपा में ध्यान लगाते नहीं तुम स्वर्ग से डरते ओम निष्मास समासि परम तपस्या च शर्षक गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वा सनी 1915 में त्रित पंचमी पर्व है आया जय सिंहपुर में आज गुरु ने आचार्य पद में पाया ओम निष सन 1915 मध्ये जय सिंहपुर आज श्री पद प्राप्त आज श्री आदि सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वा सांट मिल के बाहर गुरु पर नहीं बिहार ते करते कुन्नर अंकली आदि की गोपा में चिंतन करते ओम निष श्रेष्ठ शब्द ओम निष श्रेष्ठ शब्द तपस्या च आदि सागर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते चारित पर चढ़ करे गुरु पर चारित चक्र कहाँ दे चारित पंज का चार शरीर के चरणों शीश झुकाते ओम चारित चक्र अधि पदार का चेष्टा से सगर गुरु बिन मार्ग निरपाम ते स्वाहा माग सुख त्रि योजस के दिन अंतम आहार कीना चौदह दिन की कर तन निंदा न स्वर तन तन दीना चौदह दिन की उपवास के साथ और दिन के सारे बता चौबीस दिन के जिन्हें राज बोझो बीस दिन जिन्हें जिन्हें के नाम वाली एक दिन तो बदु जय भोय मत बिगे जल करता जल बोझ पे चलो दीप जो बल लाए सर बोझ पर बोझ ये बोझ भक्ति बढ़ाए ओम बाहर गलेंगे ओम रिम बाबू जब आवन जाते कल बजाते कल बदला करत करावे करे करावे भावना भावे रहते जिसे अस्ते जी आचार्य चे उपाध्याय Thank you.
और प्रभु जी के निकले सवाल लिए सवाल लिए प्रभु जी की प्रतिमा है प्यारे ही प्यारे प्रभु जी के निकले सवाल लिए प्रभु जी की प्रतिमा है प्यारे ही प्यारे गुरुवर का जब तक गुरु का नाम करे गुरु का स्मरण करे गुरु का स्मरण नित्य सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का जय हो दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का जब तक गुरु का नाम करे गुरु का स्मरण करे अपने बेटे को लोरी सुना के सुलाए एक है माँ जिनवाणी जो लोरी सुना के जगाए लोरी सुना के जगाए वो दिन कब जाएगा ये दिन कब आएगा मेरे लाल अखियां खोलेगा होगा दुनिया में शोर मेरी ममता के बोल मेरा लाल मुख से बोलेगा मेरी गोद में आ मेरी गोद में माँ तुझे तुझसे परिचित कराए लोरी सुना के जगाए उरे ओ मेरे लाल गोद में तेरी खुली मेरे लाल अब तू सोना ना जन्म लेना नहीं मृत्यु पाना नहीं मेरे लाल अवसर खोना ना अब बनाना ना माँ अब बना मृत्यु तुझको कभी भी न आए लोरी सुना के जगाए उरे ओ मेरे लाल रूप ज्ञायक तेरा तुझ में सम्यक भरा मेरे लाल तू शिव साधक है ये स्वभाव तेरे तेरे अंदर रहे मेरे लाल तू आराधक है मुक्ति तेरी दुल्हन मुक्ति तेरी जो स्वयंवर में तुझको बुलाए लोरी सुना के जगाए उरे ओ मेरे लाल सिद्ध बाबा मैं आऊं तुम्हें कर वंदन हो आचार्य आदि सागर को नमन हो आचार्य कौन ज्ञान का दीप जलाए गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की हो सके अपने लगाएंगे गुरुवर के चरणों को जूकर जी
जीवन सफल बनाएंगे, गुरुवर के चरणों को छूकर जीवन सफल बनाएं। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, ओ मन में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। हाँ मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। चलिए अर्घ समर्पण करेंगे, हाथों में अर्घ ले लेंगे और अर्घ समर्पण की पावन बेट मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जिनवाणी मरी मैया, जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी मरी मैया, जन्म दुख मीट दो। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंद कुंदाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के कर कमलेभ्यो नमः। ज्ञानोपकरण समर्पयामि इति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्क पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। गुरु राज महामयजे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। चातुर्मास हेतु अनर्क पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। गुरुवर मेरे कान में या अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि मैंने चार सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री हमारे कॉलोनी ऋषभ विहार बाहुबली शांति विहार किरण विहार शरद एन्क्लेव जागृति एन्क्लेव सूरजमल विहार आसपास सारा चारों ओर जैन धर्म की पूरी कॉलोनी है और सभी की भावना यही है कि इस 2023 का पांच महीने का चतुर्मास इस जैन समाज को ऋषि विहार के आसपास के सभी कॉलोनियों को आपका प्राप्त हो और आपके धर्म पर भावना ऐसी वहे कि सारा नगर धर्ममय हो जाए, पूरा जमुना पार भी इसमें सम्मिलित होकर के आपके प्रवचनों का अपना चतुर्मास मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने एक दोनों बार। गुरुवर एक को दीज गए अपना चतुर्मास, गुरुवर एक को दीज गए अपना चतुर्मास, तुम्हारा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, तुम्हारा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा। संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को सभी को बंदामी, दीदियों को जय जने। आचार्य श्री आज हमारा फाइनल टेस्ट है, जैसा आपने बताया था हम एक साल में बहन जी चुप हो जाओ एक मिनट। अगर चतुर्मास आचार्य श्री हमेशा क्लास में तो एक साल में चार बार टेस्ट होता है और हमने तो इस साल में पांच बार दिया है। अब रिजल्ट तो आपके हाथ में है कि आपने क्या रिजल्ट देना है। आज कमेटी तो कमेटी तो टोकरा लेके आती है, लेकिन आज हम सबके हाथों में समाज के हाथों से श्रीफल चढ़वा रहे ताकि ये कृष्ण नगर जैन समाज चतुर्मास चाहता है। कृष्ण नगर समाज की भावना है, एक एक इंसान की, एक एक महिला की, एक एक बच्चे की भावना है। जय कर गुरुदेव का, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। आचार्य श्री हमने एग्जाम दे दिया है, आज ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो बाद में कहोगे कि नरेंद्र भाई ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली में आपका प्रवेश हुआ और दिल्ली में चतुर्मास होगा, जैसे अभी शरद भाई कह रहे थे
चार जगह राम लक्ष्मण सीता हरत सबको बता रहे थे। तो आचार्य श्री इनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर अर्जुन का रथ चलाया था वो कृष्ण नगर से ही चला था, कृष्ण भगवान ने चलाया था, ये सच्चाई है। और इनको इनके पापा किशोर जी ने अगर समय शिखर का रथ चलाया था वो भी कृष्ण नगर से ही शुरू हुआ था। कोई भी काम अगर दिल्ली में हुआ है तो कृष्ण नगर से शुरुआत हुई है। आचार्य श्री जगह जरूर कम है, एक माइनस पॉइंट है सिर्फ होल के प्रवचन का, बाकी व्यवस्था आपने देखी है, जितनी व्यवस्था थी उससे और ज्यादा व्यवस्था बढ़ाएंगे और जितना काम होगा उससे ज्यादा सारे मिलके काम करेंगे। जब तो आपको किसी ने नजदीक से देखा ही नहीं था, आपकी चर्या नहीं देखी थी आचार्य श्री, या तो विद्यासागर जी को देखा है उसके बाद आपको देखा, ये सच्चाई है। आपने दिल्ली में जो धर्म की प्रभावना दी है, आपने जो धर्म की प्रभावना दी है दिल्ली के अंदर, हम ईमानदारी से इंसाफ से कह रहे कलश स्थापना हमारे यहाँ हो, धर्म प्रभावना पूरे जमुना पार में हो, इस बात का हमें राय वो नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पूरे जमुना पार में धर्म प्रभावना हो। आप धर्म प्रभावना के लिए निकले हैं, आपने दीक्षा धर्म बढ़ाने के लिए दी है कि जैन धर्म की प्रभावना कैसे हो। आचार्य श्री कृष्ण नगर में आपने देखा है हजारों नॉन जैन खड़े रहते थे, अगर अपना माता जिनकी हर गाथा बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा, जैन आगम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अरंग भेटने लाया हूँ, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे सत्संग। सुनील सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में कृष्णनगर चतुर्मा से तू बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घ्यम नृपामीति। आपने पिछला चौमासा जयपुर के अंदर दिया वो आपने दिया था भट्टारक जी की नशिया के अंदर, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जौहरी बाजार को सिर्फ आपने 11 दिन ही दिए, लेकिन हम सबकी यही अभिलाषा है कि आप पूरा चतुर्मास इस बार जौहरी बाजार में करके हम लोगों को धर्म लाभ देवे। जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। ओम रूम परम पूज्य दुर्पटा दिशा चल भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमल भी नमः अर्घ्यम नृपामीति। बहुत सुंदर, चलिए आगे बढ़े। ओम नमो जिनाणम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धानम् रमो आयरियाणम् रमो वज्जायाणम् रमो लोये सवसाहुणम् जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की अंतर्यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी।
जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। गम के अंधेरे में, गम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर, अपनी कल्पना कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। हमें ना मिला तो हम दुखी हो जाएंगे, उन्हें ना मिला तो वो दुखी हो जाएंगे। किसी ना किसी तरह का गम जिंदगी में चलता रहता है। ज्ञानी कहते हैं, गम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर, आगम के उजाले में जिंदगी का उद्धार कर। आगम के उजाले में जिंदगी का उद्धार कर। सरस पंचमी पर्व एक ऐसा अद्भुत पर्व है। बसंत पंचमी को लोग सरस्वती का उद्गम मानते हैं, सरस पंचमी को हम जिनवाणी का उद्गम मानते हैं। सरस्वती सचमुच कब आई धरती पर, उसका तो कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जब से तीर्थंकर होते रहे हैं तब से ही उनकी सरस्वती जिनवाणी हमेशा बहती रही है। लेकिन ये जरूर पता है कि 2000 साल पहले जब शास्त्रों का अता पता नहीं पड़ रहा था, केवल जिह्वा के बल पर, केवल गुरु परंपरा से जिनवाणी का उच्चारण चला करता था, आगे से आगे ज्ञान बढ़ा करता था, तब जा उस जमाने में धर्मसेन मुनिराज ने विचार किया कि क्या होगा अगर इसी तरह से लोगों का ज्ञान घटता गया, तो ऋषभ देव से आई हुई तीर्थंकरों की परंपरा और महावीर स्वामी से बही हुई जिनवाणी की परंपरा यूं लुप्त हो जाएगी। और उस विकल्प में उन्होंने एक निश्चय किया, निश्चय किया, बिन्ना तट पर विराजमान मुनि संघ के सामने एक पत्र भेजा। वहां विराजी लोहाचार्य आदि ने निर्णय किया और पंचवर्षीय बृहत प्रतिक्रमण में जहां सारे मुनि संघ उपस्थित थे, वहां से उन्होंने वापिस दो मुनि राजों को भेजने का निर्णय किया, जो बहुत प्रज्ञावान थे। पूरा संघ तो महिमाशाली होता ही है, लेकिन अगर प्रज्ञावान हो तो दो साधक भी कमाल कर जाते हैं। पुष्पदंत और भूत बलि वहां भेजे गए, उनके नाम पहले कुछ और थे, नहपान और एक थे मंत्री, एक थे राजा, दूसरे थे मंत्री। सेठ और मुनि बने थे। उन दोनों ज्ञानी तपस्वी सूक्ष्म ग्राही मुनिराजों को भेजा और रात्रि में धर्मसेन मुनिराज ने सपना देखा। रात्रि के अंतिम प्रहर में वयोवृद्ध मुनिराज अपनी गुफा में, गिरनार में आज भी गुफाएं हैं, जूनागढ़ से निकलते ही गिरनार के तरफ जाते ही नगर के बाहर तरफ भी काफी बड़ी गहरी गुफाएं हैं, जहाँ की छोटा मोटा मुनि संघ आराम से रह सकता है। और वहां से जूनागढ़ तरफ आते में आधा किलोमीटर में उनको जूनागढ़ का समाज भी मिल सकता है, जहां चरिया भी हो सकती है, और फिर पहाड़ पर, गिरनार के पहाड़ पर भी ऐसी बहुत खतरनाक गुफा है जिसे कहते हैं धर्मसेन स्वामी की वो गुफा है। खतरनाक गुफा इसलिए कि वहां पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। चौथे पहाड़ पर पहुंचना तो मुझे लगता है खतरनाक है ही, लेकिन उससे भी खतरनाक है वो गुफा तरफ जाना।
क्योंकि चौथे पहाड़ पर चलने के लिए दोनों तरफ दीवार का थोड़ा सहारा है, थोड़ा सा कहीं कहीं, लेकिन वहां पर है कि थोड़ा और कठिन है। फिर भी हम लोग गए थे, चले तो गए, लेकिन अब जब विचार करते हैं तो ऐसे ही आता है कि फुरूरी छूट जाती। सपना देखते हैं कि दो युवा वृषभ उन्हें उनके सामने उपस्थित है, सिर नमा रहे हैं, सुंदर हैं, और उन्हें आंख खुल गई उनकी, और उन्हें ख्याल आया कि शायद आज हमारा कार्य पूरा होने वाला है। जा ना विश्राम छोड़ते ही उन्होंने उच्चारण किया जयदु सुदेवरा। श्रुत देवता जिनवाणी जयवंत, और जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ा कि दो मुनि राजों ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य देव कृत कृत हो गए और फिर उन्होंने कहा विश्राम करिए, दो दिन बाद तुम्हारे कार्य की शुरुआत होगी, शिक्षा की शुरुआत होगी, तीन दिन बाद। इस बीच में परीक्षा कर लेना उचित समझा, कुछ बातें हैं, चरित्र जान लिया, और फिर कहा कि जाओ इस मंत्र का जाप करो। मंत्र वही था, मंत्र में एक अक्षर कम था, दूसरे मुनिराज के मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था। कहते हैं एकाग्रता वाले मुनिराजों ने मंत्र लिया और गिरनार पहाड़ पर जाके जाप करने लगे। उनकी शांति, उनकी स्थिरता, उनकी एकाग्रता इतनी जबरदस्त कि तुरंत ही जाप पूरा होते ही तुरंत ही दो देवियां, एक एक देवी दोनों मुनिराज के सामने उपस्थित हो गई। लेकिन क्या कमी थी, जोर से बोलिए। अगर किसी देवी की एक आंख ना हो तो क्या होता है, काणी कहलाती है। और अगर दांत बाहर निकले हो तो क्या होता है, क्या कहलाती है, अच्छी नहीं लगती है। आजकल तो वो लोहे के तार वगैरह बांध करके दांत भी सही कर लेते हैं और नकली आंख लगवा करके आंख भी सही कर लेते हैं। लेकिन वहां वैसी देवियां उनके सामने आई, मुनिराजों ने विचार किया, अहो देवताओं का तो ये स्वरूप नहीं है, देवता काने की दंत कड़े हुए नहीं होते, जरूर कहीं ना कहीं मंत्र में कुछ कमी है। लेकिन मंत्र तो इतने बड़े आचार्य ने दिया है, जिन्होंने जोनी पहाड़ की रचना की है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, अभी जिनवाणी का सारांश जिनके कर कमलों में हृदय में सुरक्षित है, उन्होंने मंत्र दिया है, मंत्र को गलत कैसे कह सकते, गुरुदेव से जाके पूछना चाहिए। तभी विचार आया कि गुरुदेव ने कहा था कि जाप करना, कुछ कम ज्यादा मालूम पड़े तो खुद ही कोशिश करना, हमारे पास भागे मत चले आना। तो उन्हें सोचा है संभव है फिर इसमें कुछ कम ज्यादा हो, और उन्होंने ठीक से मंत्र को देखा, जांच किया, जाप किया, गणना की, तो समझ में आया कि एक अक्षर कम है, उन्हें समझ में आया कि एक अक्षर ज्यादा है। मंत्र सुधारा, जाप व्यवस्थित फिर से चालू किए, और क्या हुआ, देवी देवियों ने प्रकट होके कहा, कहिए भगवान क्यों याद किया। उन्होंने कहा याद करने का कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे गुरु की आज्ञा थी कि इस मंत्र का जाप करो, हमने मंत्र का जाप किया, आप उपस्थित हो गए हैं, हमें कुछ भी काम नहीं है, आपको कोई तकलीफ हुई हो तो क्षम्यता। देखो लोग तो
देवियां प्रकट करने के लिए डटे रहते हैं, और जो वीतरागी होते हैं वो देवियों के आने पर भी ललचाते नहीं हैं कि ये काम कर दो कि सिद्ध हो जाओ। कि ये बात कभी कभी हम विचार करते हैं, जैसे आजकल कुछ हो रहा है कि वो बता देंगे तुम अमुक जगह से आए हो और तुम्हें ये बीमारी है और तुम्हारी बीमारी 15 दिन बाद सही होगी और तुम्हें ये जड़ी बूटी खाना चाहिए और इधर तुम धोख लगाओ तुम्हारा सही होगा। ठीक है, दूसरा यूं हाथ पकड़ दिया और तुम्हारा हाथ यूं कर दिया, हाथ तुम्हारा सीधा हो गया। तीसरा मान लीजिए इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो रही हैं और सब कुछ मंत्र जाप और संभव है। हमारे बारे में भी जब कोई ज्यादा बोलता है तो हम समझाते हैं कि ऐसा बोल बोल करके समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लोगों की लाइन लगने लग जाएगी, क्योंकि दुनिया तो दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है। इसलिए ज्यादा प्रचार प्रसार मत करिए, तुम्हारा भला हो गया, सहज रूप से हो गया, तुम्हारी भक्ति से हो गया, उसी में खुश रहो। तो अगर इसका काम चालू किया जाए, जैसे विमल सागर जी के पास भी ऐसी सिद्धि थी और उन्हें थोड़ा सा प्रयोग किया तो लोगों का कुछ भला भी हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का लाभ भी हुआ। लेकिन उसके साथ ऐसा कहते, कितने सारे लोग महाराज साधना कब करते हैं, महाराज जाप कब करते हैं, फिर सामायिक कब करते हैं, यही तो काम करते रहते। महाराजों को क्या पड़ा है, महाराज जी को क्या लेने देना, दुनियादारी से क्या मतलब है। और जितना सम्मान मिला उसके पीछे उतना ही उनका अपमान भी हुआ, वो तो लाइन लगाए रहते हैं, वो तो ऐसा करते। तो देखा जाए तो ये जो प्रत्यालोचना आलोचना हुई इसको एक तरफ रखें, लेकिन इसमें सच्चाई तो ये भी है कि अगर इसी तरह के काम में लग जाएंगे तो आत्म साधना के लिए समय नहीं मिल पाएगा। दुनिया की छोटी मोटी बीमारी तो छोटे मोटे जादूगर मिटा देंगे, आपको जन्म जरा मृत्यु की बीमारी मिटाना है तो सबसे बड़े जादूगर के पास आ जाइए। जिन भगवान के चरणों में आइए, जिन वयम मोसय मिणयम विषय सो विरेणम अमित भूतम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सब दुखाणम। जिन भगवान के वचन अमृत भूत हैं वो विषय सुखों का विरेचन करा देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु से मुक्त करके मोक्ष सुख में रखते हैं। मंत्र जाप हुआ, देवियां प्रकट हुई, भोर हो गया, नैमिनाथ निर्वाण स्थल को वंदन किया, गुरु चरणों में वापस पहुंचे, गुरुदेव देख करके खुश हो गए, तुम लोग तो पहले से भी बहुत सुंदर दिख रहे हो। उन्होंने कहा गुरुदेव देवता प्रकट हुए थे, जब हमने कहा कि कोई काम नहीं है तब भी उन लोगों ने बड़ी पूजा की। इन मुनिराज के दांत बाहर निकले हुए थे, इनके दांत ठीक कर दिए और पुष्प जैसे दांत कर दिए, तो पहला नाम बदल करके इनका नाम पुष्प दंत रख दिया और ढेर सारे भूत नाम के देवता आकर के इन मुनिराज की पूजा करने लगे तो इनका नाम भूत बलि रख दिया, पहले वाला नाम भी बदल गया और देवताओं ने ये नाम दिए हैं। दर्शन गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि बहुत अच्छा, तुम लोग व्याकरण आदि सारी विद्याओं के ज्ञाता हो, अब हम तुम्हें जो ज्ञान देंगे वो सुरक्षित रहेगा। एकादशी से उन्होंने ज्ञान लेना प्रारंभ किया और ज्येष्ठ शुक्ला नहीं काफी लंबे समय तक निरंतर प्रबोधन चलता रहा। और एक दिन जब वो अपने पास का सुरक्षित सूत्र दे चुके तो उन्होंने कहा कि अब आप दोनों जाइए, जिनसे इतना ज्ञान पाया जाए, वात्सल्य पाया जाए और जो वयोवृद्ध हैं, जो समाधि करने को तैयार हैं, अब ऐसे गुरु को छोड़ के शिष्य कैसे जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि इसका विकल्प छोड़िए, मैं वयोवृद्ध हूं, मुझे समाधि करना है, अब मैं निर्भर हूं, मैंने अपना श्रुत ज्ञान तुम लोगों को दे दिया है, मुझे विश्वास है कि अभी खत्म नष्ट नहीं होगा, तुम इसे संभाल पाओगे और मुझे यहीं छोड़ दो, आप दोनों विहार करें। बड़ी मुश्किल से मन को समझा करके विहार किया,
गुरु ने कहा कि इसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, हमारे पास रहोगे तुम्हें हमारा विकल्प रहेगा, भैया वृत्ति का विकल्प रहेगा, समाधि उत्सव चालू हो जाएगा तो तुम उसमें विजी हो जाओगे और सब ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो आप यहां से जाएं। कहते हैं एक मुनिराज चले गए अंकलेश्वर तरफ, एक मुनिराज और आगे विहार करते हुए चले गए वनवासी। भूत बलि मुनिराज ने अंकलेश्वर में चतुर्मास किया, दूसरे पुष्पदंत महाराज ने वनवासी में चतुर्मास किया। और सौभाग्य की बात है कि गुजरात के अंकलेश्वर का भी हमको दर्शन हो गया, गिरनार का भी दर्शन हो गया और कर्नाटक के वनवासी प्रदेश का भी दर्शन हुआ। छोटा सा सुंदर गांव है, सुंदर मंदिर है, भोले वाले कन्नड़ भाषा वाले लोग हैं, छोटी सी समाधि बना रखी है पुष्पदंत मुनिराज की, जो भी है। पुष्पदंत मुनिराज ने 177 सूत्रों की संरचना की, भूत बलि मुनिराज के पास भेजे। भूत बलि मुनिराज के पास उनके भांजे गुणपालित वो लेकर के गए और भूत बलि मुनिराज ने देखा, समझा, पत्र पढ़ा और जो उनका भांजा लेकर के आया था उससे उसको उनने मुनि बना दिया और सारा पोथी पत्रा देके भेज दिया और उसे सारे समाचार मालूम पड़ गए कि वो बहुत अस्वस्थ हैं, वयोवृद्ध तो थे ही, समाधि के सम्मुख हैं। इन्हें जान लिया कि अब बाकी का काम सबका सब हमको करना चाहिए और इन्होंने फिर सारा का सारा एक खंड के कुछ सूत्र आए, जीवठान सबसे पहले, जीवठान पहले उसके ही कुछ सूत्र आए बस 177, उसके बाद के सारे के सारे सूत्र सारी की सारी रचना, माने छह खंड में से पहले खंड का कुछ हिस्सा आया सिर्फ दो किताबें समझ लो आज की, और बाकी का सब का सब लेखन किसने किया? भूत बलि मुनिराज ने। लेकिन आज भी वह पूरा का पूरा ग्रंथ किसके नाम से प्रसिद्ध है? पुष्पदंत भूत बलि मुनिराज। ऐसा होता है मुनियों का वात्सल्य है और सम्मान। वो चाहते तो 177 सूत्र पर उनका नाम लिखो और बाकी सब मेरा है, ऐसा कोई अहंकार नहीं रखा, अभी तो जिनवाणी की सुरक्षा पूरी तरह से की। धन है वे मुनिराज। सौभाग्यशालियों, बड़ी सुंदर कहानी है। हम अंकलेश्वर गए, वहां के लोगों ने उसके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाई हुई हैं, तीन चार बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, एक दो मंदिर तो टूटने के सम्मुख हैं, एक दो में पुष्पदंत भूत बलि की धातु की और कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं और समाज बहुत छोटा है, फिर भी कुछ युवा आगे आकर के सार संभाल कर रहे हैं। तो कभी भी अवसर मिलता है ऐसे तीर्थों के दर्शन करते चाहिए। भरूच के, बड़ौदा के आसपास अंकलेश्वर, हमने फिर उस पर एक अंकलेश्वर अष्टक भी लिखा था प्राकृत भाषा में। गिरनार जी में तो सौभाग्य रहा कि रबला की वाचना हुई, कौन सी पुस्तक की? दसवीं पुस्तक की गिरनार जी में। और बनवासी प्रदेश में एक दिन विश्राम हुआ कर्नाटक यात्रा के दौरान। जो भी है, ये सारी सत्य घटना है, वो सारे महापुरुष सचमुच में हुए और जिनवाणी का अद्भुत प्रमेय हमको दिया और इस भूमि का सौभाग्य है कि पहली बार धवला का क्रम में 14 नंबर की किताब आई और उसकी वाचना आपके यहाँ पर जागृति के जमुना पार में हो रही है। सौभाग्य रहा कि नहीं, इसी दिन महान तपस्वी मुनि कुंजार आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर, जो एक बड़े विशिष्ट तपस्वी मुनि हुए हैं, जयसिंहपुर में कहते हैं पंचमी के दिन ही 1915 में लोगों ने, पंडित ने, विद्वानों ने मिलकर के उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया था ताकि जिनवाणी की, जिन धर्म की परंपरा चलती रहे। और उनके बड़े आचार विचार रहे हैं, सात गोंडा मतलब शांति सागर जी भी उनसे प्रभावित रहे हैं, देश भूषण जी उनसे प्रभावित रहे हैं। बाद में ये बात अलग हो गई कि पुष्पदंत पुष्पदंत रह जाएं और तरुण सागर देश में छा जाएं, वही
आदि सागर रह गए और शांति सागर जी मुनिराज देश भर में छा गए। ठीक है, यह श्रवणों की परंपरा है, ये हमें पक्का समझना चाहिए कि मुनिराज मुनिराज होते हैं, वो कोई संप्रदाय नहीं होते हैं। और प्रत्येक मुनि प्रत्येक मुनिराजों की शिष्य परंपरा जो शास्त्र के अनुकूल चले वह वंदनीय है, पूजनीय है। तीर्थंकर महावीर स्वामी की परंपरा है, कहने को हम कह देते हैं कि अभी महाराज जी आए हैं आदि सागर मुनिराज की परंपरा के, अभी मुनिराज आए हैं शांति सागर मुनिराज की परंपरा के। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ समझना कि वह उन मुनिराजों की परिपाटी से आए हुए हैं, लेकिन व्रत और तप तो उनके सबके वही हैं जो महावीर स्वामी की निर्ग्रंथ परंपरा में पालन किए जाते हैं। कहीं कहीं इसका इतना खींचतान के लोग अर्थ करने लगे कि मुनि राजों को भी असुविधा पैदा कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो गए। मुनि तो मुनि है, ये दो आंखें हैं जिन शासन की वर्तमान की सौभाग्यशालियों, इनसे ही परंपराओं का सुरक्षित रहना। ना बोलिए महाराज जी इतनी सारी जय बोलते हैं, ना बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि रहना सुरक्षित रहना जरूरी है। आपकी अगर पीढ़ी आपकी पीढ़ी आपकी फर्म अगर 150 साल पुरानी हो गई तो कितने गौरव के साथ लिखते हैं आप सिंस हैं 1905 से 1915 से लिखते कि नहीं, 200 साल पुरानी हमारी संस्था। वैसे ही मुनियों का परंपरा का गौरव तो कुंद कुंद समंद्र भद्र आदि के वहां से लगातार रहा है, बीच में थोड़ा सा घपला हो गया तो ये मुनिराज एकदम प्रकट हुए और इनने पूरे साधना के बल पर चारित्र के बल पर इस चीज को सामने लाया है। तो गौरव से हम चीजों को जोड़ के रखें कि 100 साल पुराने 115 साल पुराने 120 साल पुराने मुनिराजों की परंपरा है तो बहुत पुरानी, लेकिन सिंस कम से कम एक फर्म कब से चल रही, कहीं कोई विक्षेप पड़ गया तो भी ऐसे। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय जरूरी है। आपसे एक बात कहेंगे, आप जिनवाणी बहुत पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन हफ्ते में घंटा आधा घंटा निकाल करके किसी एक अलमारी के सामने खड़े होकर के उसकी साफ सफाई कीजिए, उसको व्यवस्थित जमाइए, उसके भीतर कोई कचरा जमा हो गया उसे निकालिए, चावल लौंग सौंफ सुपारी कुछ रख दिए हैं तो उसको भी अलग कीजिए, सिर्फ आधा घंटा इस निमित्त से भी दो तो ही कहो जिनवाणी की कृपा आप पर हो जाए। सारी किताबें आगे पीछे करते करते कोई एकाध किताब ऐसी पसंद आ जाए कि उसके बल पर तुम्हारा जीवन ही पसंदीदा बन जाए। ज्ञानी प्रज्ञावान बनना ज्ञान स्वभाव है और इंसान की पर्याय तक हम पहुंच गए हैं। जिनवाणी का अभ्यास बड़ी आसानी से इस भाव में किया जा सकता है, जरूर कीजिए। अंकलीकर महाराज के प्रसंग कुछ इससे संबंधित बातें और दोपहर को सुनेंगे। बाकी अभी लोग तो सुनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन क्या करें बताइए, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि चतुर्मास तो नहीं नहीं चतुर्मास सच्चाई तो यही है कि चतुर्मास तो होगा ही होगा। क्यों होगा इसकी सच्चाई में थोड़ी सी अभी कृष्णानगर भी है, ऋषभ विहार भी है और कैलाश नगर भी है और जयपुर वाले भी हैं, हाँ राजा बाजार मतलब कनॉट प्लेस वगैरह, तो भावनाएं बहुत लोगों की जुड़ी हुई हैं। नौकार मंडल जो भी है, अभी जब इतने इन लोगों का आग्रह है तो यहीं कहीं संभव है
दोपहर को घोषणा तो क्या होती है, है ना? तो घोषणा करते भी नहीं है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आप लोग परेशान मत होइए, दोपहर को बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो बच्चों को बैठने के लिए जगह भी चाहिए, हमारे लिए भी जगह चाहिए पड़ेगी। अभूतपूर्व दृश्य होगा आज दोपहर 2:30 बजे, देखिएगा अपनी आंखों से क्या जनजागरण होता है। आओगे जब तुम शरण में। हेलो
प्रयोगी अभिनव कुंद कुंदाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के कर कमले भ्यो नमः ज्ञानोपकरण समर्पयामि इति स्वाहा। एक बार इधर मुड़ के दिखा दीजिए सबको और फिर इधर। हाँ बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से। हाँ चलिए सारे के सारे सभी दोनों हाथ पहले अपने हृदय पर दोनों हाथ रखें और कैमरा वगैरह अपने हिसाब से संभाल दो और एक साइड बैठो। सभी के हाथ जुड़ गए। हाथ कैसे जोड़े जाते हैं? सामान्यतः ऐसे जोड़ते हैं, लेकिन जब इसी को ऐसे कर देते हैं तो ये श्रीफल मुद्रा भी कहलाती है। तो ऐसे हाथ जोड़िए हृदय पर दोनों और उच्चारण करेंगे ओम नमो जिनाणम। हमको देखें और जैसा हम करें वैसा आप करना। पंच परमिष्ठी को नमस्कार। नमो अरिहंताणम। हाथ कैसे जोड़ना है और ये मुद्राएं आप रोज सुबह कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर तक करें। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धा। सिद्ध भगवान कैसे बैठते हैं तो उनकी सिद्ध सलाह होती है। सिद्ध भगवान विराजे हैं और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। आचार्य श्री दोनों हाथों से अभय दान देते हैं, सबका कल्याण हो आशीर्वाद देते हैं। तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे लेकिन जब आयरियाणम बोलेंगे तो ऐसे कल्पना करेंगे कि दोनों हाथ खोल के आचार्य महाराज का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान बांटते हैं। उनकी मुद्रा ज्ञान की मुद्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। तो दोनों हाथों से पहले हाथ जुड़े रहेंगे। रमो अध्यायाणम। नमो सब साहूणम। इसमें दो मुद्रा करेंगे। पहले तो चरण स्पर्श के जैसे मुद्रा करेंगे। हमारे सामने मुनिराज खड़े हैं, हम उनके पांव छू रहे हैं। फिर दूसरी मुद्रा ऐसे करेंगे जो अंजलि आहार की बनती है, लेकिन उसे अपने सिर पर ढोल देंगे और इसमें ये कल्पना करेंगे कि मुनिराज ने हमको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हमारी अंजलि में एकदम सोने जैसे कण भरे हुए हैं और हमारा पूरा शरीर पूरा मन सोने से नहा गया है। फिर आप क्यों अब हाथ अगर हम ऐसे करें तो इसमें 24 तीर्थंकर सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु समा जाते हैं। 24 पूरे पर 24 भगवान की स्तुति गाएंगे सभी। जिनको 24 भगवान के प्राकृत में नाम आते हैं वो जोड़ दें, गाएं संगीत के साथ। उस हाजी संभव वही नंदन सुमई पौम सुपास चंद जिनयंत सियल से अंसा बासुपुज जिन विमल अनंता सुपुज जिन विमल मुनि सुवर्ण मिणे विमहल्ले पासनाह महावीर महेशम इन उंगलियों में कितने पोर हैं और हर एक पर हम एक एक तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें या एक एक तीर्थंकर भगवान का नाम लिखें या जो भगवान सबसे सुंदर लगते हैं उन एक एक भगवान को विराजमान करके इस स्तुति को बोल के फिर आखिर में नमस्कार करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सौभाग्य है कि अपन सभी जिन शासन में जन्मे हैं और इस जिन शासन जो पिछले किसी भाव में हाथी थे
बाद में अजितनाथ नहीं, पार्श्वनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान का तो चिन्ह है। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, जिन तीर्थंकर का जो चिन्ह है पिछले भाव में वो ऐसे थे, ऐसा नहीं समझना। अगर आप ऐसे समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्वास्तिक 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 का चिन्ह देखा कौन से भगवान का है कि अजीब है। अगर हम कहेंगे जो चिन्ह है वो पहले रहे होंगे तो अब वो अजीब रहे होंगे क्या? जीव कभी अजीब और अजीब कभी जीव। ठीक, सब अपनी मुद्रा अच्छी बना लें। बैठते वक्त कभी भी ध्यान रखो कैसे बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो होती है सीधी होना चाहिए। जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी व्यवस्था किस किस के पास है ऐसे हाथ करें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये डिब्बी आप लोग घर लेके जाने वाले हो क्या? जी जी हाँ, घर लेके जाने। बहुत बढ़िया है। फिर तो फिर एक काम रोज करना, डिब्बी में चंदन रखना और हमेशा चंदन का तिलक करना। इससे क्या होगा, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मारे जी। ऐसा मंदिर तो जाना ही, मंदिर में ही चंदन लगाना, लेकिन कभी मिट गया तो घर में इसमें रखा रहेगा और थोड़ा सा एक बूंद पानी मिलाया और लगा लिया। चलिए इस कलम, कलम किस किस के पास है? अच्छा कागज किन किन के पास है? वास्तव में आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्यों ने इसी टाइप की कलम से शास्त्र लिखे हैं। आज कौन सा पर्व है? श्रुत पंचमी पर्व। इस दिन कौन से शास्त्र की महिमा हुई थी? सठखंडागम की हुई थी। अंकलेश्वर के राजा ने हाथी पर सठखंडागम की सवारी निकाली थी। ठीक है, आपको याद होगा। आज मुनि महाराजों ने भी पड़गान में कौन सी विधि ली ज्यादातर? सठखंडागम, जिनवाणी, है ना, श्रुतस्कंध। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमें श्रुत संस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो उच्चारण करें आप लोग, ज्ञान के अक्षरों का उच्चारण करें। कहाँ से शुरू होता है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अगर बोर्ड हो और ब्राह्मी के अक्षर लिखे जाएं या उस पर आ जाए, ये लैपटॉप जिसके पास है भैया वो अपना कंपोज करें अपना कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ब्राह्मी के स्क्रीन पे आ जाएगी। उधर लैपटॉप को एलईडी से जोड़ लीजिए, उस पर लिखेंगे आप लैपटॉप पर, उससे सीधा स्क्रीन तो ठीक है, ऊपर नीचे नहीं तो ब्राह्मी की। अच्छा, इसके बाद 33 व्यंजनाइम 27 सरा तहा भणिया 44 जोग बहा 64 मूल बणनाओ। मूल वर्ण होते हैं 64, सब जानते हैं। अ ए, क्या बोलिए आप लोग सभी? अ आ ए ई ओ, सभी बोलो। नहीं आते हैं, आप बोलेंगे, बोलिए ऐसे, बोलिए आ आ ई ई ओ ओ ए ए, इस तरह बोलिए। हाँ, इस तरह से बोलो। देखो ये जो 64 अक्षर है ना, ये सारे अक्षर हैं, इन्हें से ही मंत्र बनते हैं। इसलिए कभी भी इसका पाठ करना चाहिए और कभी भी इसे जब बोलते हैं तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए। अरहंत भगवान का पहला अक्षर कौन सा है? बराबर। तो ऐसे आचार्य भगवान का पहला अक्षर, ये मंत्र है, ये सभी उच्चारण करिए। ठीक, क ख ग घ ग च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म ज्ञ र ल व स स
सा हा ठीक। ये साप के सब मिलकर के मंत्र बनते हैं। आ से शुरू होता है, हा पर संपन्न होता है। ऐसे इनको कहते हैं मातृका यंत्र, इससे बनता है। ए अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, सबसे पहले उस पर लिखिए ओम। लिख लिया, लिखते बनता है कलम से। अब कलम से हमसे एक अक्षर लिखते नहीं बनता है, और कुंद कुंद मुनिराज ने सारे अक्षर कलम से लिखे थे। जो आजू बाजू में हैं समझदार वो बताएं। बच्चों आपको ओम शब्द लिखना है। ओम ऊ बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ लिखा आपने। ओम नमः सिद्धेभ्यः, पढ़ाई के पहले भक्तामर का छठवा काव्य जरूर पढ़ना। कौन सा? छठवा। जिनको आता है सभी एक साथ बोलेंगे, अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम सद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किलह किल्मधौ मधुरम बिरौति तच्चाम्रचा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप हैं। और अगर इनको हम एक स्तर तक छोड़ देते हैं तो अणुव्रत बन जाते हैं। सभी अभिभावक भी उपस्थित हैं। सबका कर्तव्य बनता है कि बच्चों को रात में भोजन नहीं कराएं। अक्सर कर ऐसा होता है, कल की बात है, एक छोटा बच्चा कहता था कि मैं 8 साल का हो गया हूं और मुझे 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करना है। महाराज जी मुझे त्याग कराओ, मेरे से आहार लो। और उसकी मम्मी कहती थी, बेटा तेरे से नहीं होगा, तुम बहुत छोटा है। कल की बात, कल की बात, कल आप थे क्या? कल की बात, कोई एक आपके जैसा छोटा बच्चा था। तो बच्चा कहता है मेरे को त्याग करना है, और माँ कहती है नहीं करना। बताइए ऐसी माँ किस काम की? उत्साहित करना चाहिए कि हाँ बेटा करो, मैं करवाने की, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसने क्या किया? त्याग किया। फिर क्या हुआ? एक दूसरे छोटी बच्ची आई, उसने सीधा कहा 1 साल का रात्रि भोजन का त्याग। तो उसकी माँ को भी कहना पड़ा कि भी महाराज जी मेरा भी 1 साल का त्याग। इतने में उसने पीछे मुड़ करके देखा, उसके पिताजी काफी देर से खड़े थे। तो उसने कहा, बहुत छोटी 8 साढ़े 8 साल की बच्ची होगी, उसने कहा पापा अब तुमको भी त्याग करना पड़ेगा। और उसने अपने पिता का त्याग करवाया और तीनों ने आहार। तो एक कर्तव्य बनता है कि रात्रि भोजन हम आजकल पार्टियों में करने लगे। धनपाल जी आजकल जैनियों के यहाँ हर तरह की पार्टी में कई जगह रात्रि भोजन चालू हो गए। बताइए आप नैतिक शिक्षा हम किस ढंग तक कहाँ तक दें? कम से कम बड़े लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भी रात में एक संकल्प करें, ना खाएंगे ना खिलाएंगे, बहिष्कार करेंगे ना वहां जाएंगे। हाँ कोई रात में हमें खाने को बुलाता है, खाने पर नहीं जाएंगे। उनके काम के लिए जा सकते हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन खाने का रखना है तो पहले रखेंगे। इस टाइप से सावधानी बरतें और रोज देव दर्शन करेंगे। जय बोलिए आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। श्रुत पंचमी महामहोत्सव की जय। मादी जीवा जीवा मा... अगर दीदी हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, वो सब करवा तो दीदी जो है ना यहाँ सबकी जीव पर
चांदी की कलम से, और चांदी नहीं तो इसी से ओम लिखें सब। और ब्रह्मचारी कहाँ हैं? ब्रह्मचारी भैया जो सभी बच्चों की जीवा पर मंत्र लिखा जाएगा, दीदी लिखेंगी और साथ में ब्रह्मचारी भैया सबकी जीवा पर सर से, और यहाँ पर ओम लिखना है सभी की जीवा पर, ताकि हमेशा पंच परमेश्वर भगवान अपने जीवन में बसे रहे। ब्रह्मचारी जी कहेंगे, गांधी जी कहेंगे, तीनों ब्रह्मचारी भैया जी हैं, भैया जी बाकी ये जो वॉलंटियर्स हैं आप बैठ जाइए, ये कौन महिला है इनको बिठा दो। चलिए तीन चार जने और उनके सहयोग में लग जाएंगे, ताकि इतने सारे बच्चे हैं तो समय में से सब कुछ हो सके। देखिए इस पर लिखे ना सारे अक्षर, सीधा करो तो इस पर ब्रह्म के अक्षर लिखे सारे, मोबाइल पर भी आएगा इस पर जो इनका है ना सन्मति सुनीलम ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आपको उसमें पूरी पूरी ब्राह्मी लिपि के ये अक्षर आराम से मिल जाएंगे। सामने यहाँ पर एक स्टैंडी है, उस पर QR कोड है, बस आपको क्लिक करना है मोबाइल से, ऐप आपके में डाउनलोड हो जाएगा, आराम से आप सब कुछ आराम से यूं ही मोबाइल में प्राप्त कर लेंगे। और एक छोटा अनुरोध, माता जी के सामने जो लेडीज बैठी है ना, या तो वो दो दो फीट पीछे हो जाएंगी या पीछे आ जाएंगी, यहाँ पर नौ बच्चे अभी आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य करेंगे। हाँ हाँ उसमें सारा रहेगा ना, हाँ उसमें है ना, हाँ एक तरफ ये संस्कार चलते रहेंगे और संस्कार हो गए, उनके ओंकार लिखना है सबकी जीव पर। तो यहाँ ब्रह्मचारिणी दीदियाँ और यहाँ ब्रह्मचारी भैया जी, एक एक करके सबको संस्कारित करते जाएंगे और आगे की विधि करिए। और बोलिए महावीर भगवान की जय, श्रुत ज्ञान संस्कार महोत्सव की जय। बच्चों को संस्कारित करते हुए और अब छोटे छोटे बच्चों का वह नृत्य आप देखेंगे, अनूठा नृत्य, नौ बच्चे आपके बीच में आ रहे हैं। यह टीम है नलनी कमलनी जी की, जो इस समय जम्मू कश्मीर में कहूंगा मैं फंस गई हैं, कल मौसम खराब था उनकी फ्लाइट नहीं आ पा रही, अभी लगभग दो गौर से। ओम नमो भैवदो बड्डमानस्स ऋषस्स जस्स चक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायालम भूयाणम लोयाणम जयवा विवादेवा थम्भणेवा रणंगणेवा रायंगणेवा मोहणेवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। सबको आशीर्वाद। जगह नहीं है यहाँ पर, नौ की जगह तीन बच्चों से नृत्य करवाएंगे, और जिन जिन बच्चे संस्कारित होते जाते हैं वे लाइन से क्रम बनाकर पीछे निकलते जाएंगे भोजन के लिए, और बड़े लोग उनकी जगह लेते रहेंगे। कहते हैं ना एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की इस तरह विधिवत शुरुआत रहेगी।
Na 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 na
पूजा वाला बोल जन होगा। उससे पहले सिर्फ एक सूचना आपके लिए बहुत खास, आप लोगों को मालूम है इस महुल जी ने ग्रह गुरु राज महामी जी उम्र खिले गए कमलों की सब रन पद पद्मों में जर पड़ा भव्यों का मकर तिष्ठो तिष्ठो जी आदि सागर जी अंकलीकर महाराज जी के पावन चरण कमले भी उन्होंने मात्र उत्तर उत्तर संगोष्ठी दिया आह्वान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवषट् सन्निधिकरणम् परिपुष्पांजलि निक्षिपामि। चलिए पाचल काती है बंधन में निरत हृदय रहता अध्ययन की अनुपम थाती है आचार्य आदि सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सत बहे हम भक्तों के कल्याण है तू आशीष आपका नीत रहे। ओम ब्रह्म परम पूज्य चतुर्पटाधीश्वरिया चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर आचार्य से आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि दी। चलिए तामी अतुलनी संयम की धारा बहती है आचार्य आदि सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम भक्तों के कल्याण है तू आशीष आपका नीत रहे। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः अक्षय पद प्राप्ति अक्षदान निर्वपामि दी। नीतर से रहे तप त्याग मैया भातेरी चरणों में चढ़कर हर्ष रहे आचार्य आदि सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ती। सत बहे हम भक्तों के कल्याण है तू आशीष आपका नीत रहे। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ती। अज्ञान तिमिर जज में छाए आशीष आपका नीत रहे। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ती। दशधर्म सूर गरिभुवन श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ती। इतना सचित बही हम भक्तों के कल्याण है तो आशीष आपका नीत रहे। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि दी। तुच्छ बुद्धि हो अगले चरण नहीं सिर टे आचार्य आदि सागर जी यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम सबके कल्याण है तू आशीष आपका नित रहे। ओम रूम परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जी के पावन चरण कमले भी नमः अनर्क पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि दी। मंगली ग्राम की मूरत हो सन 1866 जिन भावो शुक्ला चौथ कहा माँ अक्का बाई की कुशी से पितु सिद्ध गौड़ घर जन्म लहा बचपन का नाम शिवोंडा था पाटिल परिवार कहा था दादा श्री शंकर गोंडा का मन देख देख हर्षाता था दो भाई बाल बाबा गोंडा पुत्र तवन गोंडा एक कहला क्षत्रिय पराक्रमी शूरवीर जिन धर्म परायण कहलाए कद्दू हाथों से तोड़ तुरंत पहचान
जब 15 वर्ष के पाटिल थे तब पिता ने जग को छोड़ दिया। 36 मूल गुण धारक चारित्र चक्रवर्ती दक्षिण केशरी चातित्र नायक आचार्य भगवान समाधि सम्राट मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी गुरु चरणी भ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति। उन महान गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए अर्घम निर्वपामिति। और श्रीफल समर्पण करते हुए ये लोग भावना भा रहे हैं कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी के विशाल संघ को जो जयपुर से लगातार विहार करते हुए ला रहे हैं, तो पूरे 5 महीने का जो चलिए अभिलाषा हम सबकी है, अभिलाषा हम सब की है, अभिलाषा हम सब की अभिलाषा बरसते रहते हो जय माता। आवाज आवाज कम करिए भैया, आवाज कम। लेकिन उसमें गरिमा नहीं खोना है, थोड़ा अच्छे से भक्ति के साथ करें और पीछे आ जाइए सभी लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए, कृपया पीछे हो जाइए सब लोग, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इतनी भक्ति में झूम के नाचेंगे, भक्ति में झूम के नाचेंगे, मस्ताने के आए कैलाश नगर वाले दोनों हाथ उठाते हुए एक बार जयकारो गुरुदेव का। और प्रिय गुरु महाराज तेरे दिव्य विशाल संघ के नायक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमले भ्यो नमः। कैलाश नगर में चतुर्मास हेतु अर्घम निर्वपामिति। बहुत सुंदर। देखिए आपके ओर से निवेदन करेंगे, आप लोग सब अपना स्थान ले लेंगे। मैंने सफल हुई कि कम से कम दिल्ली में चौमासा हो रहा है, पर गुरुदेव बच्चे आपके चरणों में पड़े हुए हैं सारे, कि चौमासा जो पहला हक है वो त्रिवेणी धाम का है, भरतस्थली रायबजार खंडेलवाल और दिगंबर जैन तीनों मंदिर का, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर खंडेलवाल मंदिर और भरतस्थली पहला हक उनका है। बाकी आचार्य श्री जहाँ करना चाहे जहाँ सुविधा हो हम आपके साथ हैं। सुनील सागर सेवा समिति पूरा चौमासा आपके साथ रहेगी और जो हमारा जहाँ महाराज होंगे सेवा समिति कहीं नहीं हटेगी। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री धरसेन पुष्पदंत भूतबली मुनि राजाओं की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, मुनिवरम को चतुर्थ पटादी श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस तरह की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सम्राट नहपान के लिए कोई कमी नहीं थी और उनके मंत्री उनके श्रेष्ठी के लिए भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोहाचार्य जैसे आचार्य के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा स्वीकार की। और वे दो मुनि महाराज जब गिरनार से बुलावा आया धरसेन मुनिराज का कि मेरी विद्याएं मेरा ज्ञान मैं किसी सक्षम साधक को सौंपना चाहता हूं जो इसे सुरक्षित कर सके, तो वो दोनों मुनि महाराज भेजे गए थे गिरनार जी, बिना तट से गिरी नगर भेजे गए, महिमा नगर से। महिमा नगर कहाँ है आजकल, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की एक सीमा पर है, इतनी दूर से वहां की यात्रा करके गए और अपना श्रुत ज्ञान आचार्य देव ने उनको प्रदान करने की पहले जो परीक्षा ली
और उस परीक्षा में वो ऐसे खरे उतरे कि देवताओं ने उनके नाम पुष्प दंत भूत बलि रख दिए। सतखंडागम जैसे ग्रंथ की रचना की और इस धरती का सौभाग्य की 14वीं किताब का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। आज 270 पेज से लेके 284 पेज तक आज भी स्वाध्याय संपन्न होगा। सौभाग्यशालियों, इसी तिथि में एक ऐसे मुनि कुंजर, एक ऐसे अंकली में जन्मे अंकलीकर, ऐसे साधक को आचार्य पद प्राप्त हुआ कि जिन्हें महावीर कीर्ति जैसे शिष्य की संरचना की। फिर महावीर कीर्ति ने विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, संभव सागर जी, कुंतु सागर जी जैसे शिष्यों की एक बड़ी पंक्ति खड़ी की और आज देखते हैं कि पूरे देश में आचार्य आदि सागर जी, आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज के मुनि संघों के कारण से दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई है। ये जो मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, इन पुरखे आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। आप उन्हें कितनी मान्यता दे पा रहे हैं, कितनी उनकी पूजा कर पा रहे हैं, कितना उनका महिमा मंडन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। आज 108 साल हो गए उनके आचार्य पद दिवस के। 1915 से 1923 कितने हो गए जी, 2023 बराबर हो गए जी। हाँ, आत्मार्थियों, ग्राम अंकली जन्म लिया था पिता सिद्ध गोड़ा के प्यारे, शिव गोड़ा था नाम तुम्हारा, बूंदा की आंखों के तारे, कुंथल गिरी पर दीक्षा लेकर मुक्ति पथ पर किया गमन है, इसीलिए है आदि सूरी तुमको बारंबार। अंकली बहुत छोटा गांव है, और बहुत छोटा तो नहीं, हजार घर होंगे, और उन हजार घरों में 800 घर जैनों के होंगे। आपको ऐसे लगता है कि बहुत कम है जैन समाज, बहुत कम है, बहुत कम है, सही है, लेकिन अगर ठीक ढंग से गणना हो तो कम से कम 1.5 से 1.75% तो पूरे देश में जैन समाज निकल ही आएगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पर्याप्त संख्या में जैन श्रावक है। सौभाग्य है कि आज भी उस धरती पर श्रावक खेती करते हैं, जिनालय के दर्शन करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। अंकली और उदगांव कुंजबन 3-4 किलोमीटर का अंतर है। यहां जन्म हुआ, वहां समाधि हुई, और 1-2 किलोमीटर और आगे जयसिंहपुर में आचार्य पद हुआ, मुनि दीक्षा हुई कुंथलगिरी में, ओ वहां से थोड़ा दूर है, 200 किलोमीटर जितना। और उन्होंने सुनिश्चित क्षेत्र में भ्रमण किया, बहुत बड़ी और बहुत लंबी यात्राएं उन्होंने की हों उसके प्रमाण कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ उपास करके गुफाओं में विराजमान रहते थे। और स्वाध्याय की रुचि वैराग्य के बहुत सारे कारण बने, नगर के जागीरदार होने के बाद भी वैराग्य तो किसी को भी हो सकता है। 17-18 साल के थे, पिताजी गुजर गए, सारी गृहस्थी सारी जागीरदारी संभालना पड़ी। थोड़े 2-4, 5-7 साल और बीते, 27 वर्ष की उम्र में माताजी गुजर गईं, तो उन्हें संसार की विरक्ति हुई। भी निरंतर स्वाध्याय की रुचि लेने वाले जीव थे, और उदगांव कुंजबन में एक कप्पा शास्त्री रहते थे, उनके पास रोज स्वाध्याय को जाते थे। अगर बीच में कृष्णा नदी आती है जी, कृष्णा नगर नहीं,
क्योंकि अगर वापस कृष्णा नगर गए तो आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो निकल जाते थे, कृष्णा नदी पार कर जाते थे। आप विचार करिए शास्त्र स्वाध्याय की कैसी रुचि होगी। उस समय वहां पर जो पुल था वो पानी में डूब जाता था, आज भी उस पुल के चिन्ह है, गर्मी में वो पुल दिखता है। तो उस पुल डूब जाता था तो तैर करके इस पार से उस पार स्वाध्याय के लिए जाते थे। जान जोखिम में डालना है लेकिन उतने पावर भी थी, स्वाध्याय के प्रति ऐसी रुचि थी। कहां गए नैतिक शिक्षा वाले, आ रहे? अच्छा, कैसी स्वाध्याय की रुचि होना चाहिए। बच्चों को तो नैतिक शिक्षा दे ही रहे हैं, बड़ों को भी स्वाध्याय की रुचि पैदा होना चाहिए। बिना जिनवाणी के स्वाध्याय के, बिना श्रुति के ज्ञान के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मार्थियों बहुत सारी कहानियां हैं उनके जीवन से संबंधित। इतने घोर तपस्वी थे कि जीवन चमत्कार बन गया था। बहुत ही ज्यादा मानवीयता के सिद्धांतों को जीने वाले अंकलीकर जी थे। अपने खेतों पर काम करने वालों का भी पूरा ध्यान रखते थे जब वो ग्रस्त अवस्था में थे। और वो प्रसंग जो कि सारे पंडित लोग सुनाते हैं और मुनियों के, कि जब वहां अकाल आ गया एक बार, ऐसा स्थिति बन गई कि गरीबों के घर का खाना अन्न धान्य खत्म हो गया, तो उनके पास लोग आए, उनने अपने पास जो था दिया। और जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि शिव गोंडा बांट रहे हैं, वहां के नाम ऐसे ही हैं जी, शिव गोंडा उनके नाम था, उनके पिता का नाम था सिद्ध गोंडा, उनके दादा का नाम था शंकर गोंडा। अभी अभी जो है अल्पसंख्यक आयोग में एक सदस्य है ना उधर के, जिन गोंडा अभी नहीं, धनंजय गुंडे अभी आए थे ना, धनंजय गुंडे, तो उस तरफ के नाम ऐसे हैं। लेकिन हमेशा वो जैन हैं बहुत सारे। और हो सकता है कि अभी जो सरकार बन रही बनी है कर्नाटक में, उसमें कोई एकाध जैन भी हो, लेकिन आप नाम से नहीं पहचान पाए क्योंकि उस तरफ की परिपाटी ऐसी है। ऐसे ही लिखते हैं शिवगोंडा सिंधगोंडा पाटिल, ए पाटिल है हाँ, पाटिल तो ढेरों मंत्री रहे हाँ। तो उसमें दोनों तरह के लोग होते हैं लेकिन नाम इस टाइप के रहते हैं वहां, जो प्रचलित नाम है। एक मंत्री थे वी धनंजय कुमार, कर्नाटक के वी धनंजय कुमार अटल बिहारी के साथ। फिर एक अनंत कुमार, आज खैर दुनिया में दोनों भी नहीं रहे लेकिन श्रावकचार का भी पालन करते थे। अपन सुनते हैं कि श्रावक धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है। अभी जैसे आपकी दिल्ली सरकार में एक मंत्री है सत्येंद्र जैन, अब राजनीति में किसने कैसे क्या किया और कैसे क्या हुआ वो बात अलग है। बाकी जो हमको एक समय एक समाचार मिला कि इंसान भी भगवान के दर्शन के बिना अन्न नहीं खाता, और अभी उसको 358 दिन हो गए कि भोजन नहीं किया, केवल फर पर आदमी टिका हुआ है। और इस तरह से अगर हम विचार करें तो लोगों को इस पर दखल देना चाहिए कि सरकार या पुलिस अगर स्वीकृति दे तो हम मूर्ति ले जाकर के उनको दर्शन कराएं और उसका भोजन करवाएं। कोई तुमने दोष लगाया है, तुमने कोई अपराध निकाला है, वो आप निपटते रहिए, उससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक श्रावक अभी भी व्रत पर डटा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो आस्था और श्रद्धा होगी। तो कहने का मतलब है कि आज भी अच्छे लोग होते हैं, हैं। चाहिए सामाजिक स्तर पर इस तरह की कोई बात हो, इस बात को आगे बढ़ाया जाए। आप हैं और कोई लोग हैं कि एक बार चर्चा करें आगे से आगे कि इंसान को कम से कम वो उपास करते हैं, एकासन करते हैं, हमारी तपस्या है,
लेकिन जबरदस्ती और भूखे मारना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अर्जुन लाल सेठी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम के समय 70 दिन का उपवास किया था, वो भी पूरी कहानी है। मुझे लगता है कि अर्जुन लाल सेठी जो एक जैन श्रावक थे, कहां गए खंडेलवाल जी, जिनू जितेंद्र जिनेन्द्र, एक पक्का जैन श्रावक और घोर क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद उनके पास शरण लिया करते थे, उनसे सीखा करते थे, उनको गुरु मानते थे। और उस आदमी को राजनीतिबाजों ने ऐसा वो पीछे धकेला कि आज अर्जुन लाल सेठी का नाम तुमको उनकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर कहीं सुनने को मिले तो मिले। वो ऐसा इंसान था कि अगर वो डटा रहता तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री अर्जुन लाल सेठी बनता, पहला उस जमाने में। ऐसा उनका बोलबाला था, गांधी के स्तर के आदमी थे वो। और ऐसे पक्के श्रावक कि जयपुर में उनको जेल में रखा, तो वो तो अभी 35-36 1909-10-11-12 से लेकर के उस बीच के काल की सारी घटनाएं हैं। तो क्या होता था कि समाज था, दबाव था, तो मंदिर ले जाना पड़ता था दर्शन करने के लिए जेल से। और उस बहाने वो क्या करते थे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को दाया वाया इशारा करके और चालू रखते थे। तो जिस सरकार ने जयपुर की, माधव सिंह सरकार थी उस समय, वो जो राज्य 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 चलते थे ना, तो राज्य था उस समय माधव सिंह का, जो सरकार उस जमाने के पहले सबसे पढ़े लिखे आदमी को अपनी सरकार में प्रधानमंत्री बनाने को तैयार थी। किनको? अर्जुन लाल सेठी को। और उन्होंने ये कह के नकार दिया था कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कराने का काम कौन करेगा। और इस बात से कि वो राजा चढ़ गए कि क्या बात से क्या हुआ कि अंग्रेजों का दबाव पड़ा, तो जब उन पर इस टाइप का केस आया क्रांतिकारियों वाला, तो और दिल्ली में जो बम फेंकने वाली घटना हुई थी वायसराय पर, तो उसमें भी इनका माने बम बनाने वाले ये थे मुख्य सूत्रधार, मतलब देश से अंग्रेजों को उखाड़ना था। अहिंसक तो है, इतना अहिंसक है कि चींटी को भी नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो पूरा एक इतिहास है ये। अभी अचानक से आप मुंह पर आ गया, आप सुन भर रहे हैं तो सुन ही लीजिए। तो क्या हुआ कि उनको कि यहां से क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखे हैं, अंग्रेजों का फिर दबाव आया और उनको वहां से बेदखल करके उस जेल से निकाल के कहां लेके गए, बेलूर जेल कर्नाटक। ना भाषा कोई जानेगा, ना यहाँ कोई सूरज सकल जानेगा, ना कोई मंदिर का प्रपंच पड़े रहे। और तब उन्होंने किया था 70 दिन का अनशन। तो कांग्रेस की किताबों में लिखा है कि उनने स्वतंत्रता के लिए 70 दिन का अनशन किया था। और उस समय जो उनके शिष्य भक्त थे अयोध्या प्रसाद गोयली जैन, उनने लिखा है कि उनने भगवान जिनेन्द्र का दर्शन नहीं होता था इसलिए 70 दिन तक भोजन नहीं किया था। बातें दोनों अपनी जगह सही हैं। हम दोनों धारा से जोड़ सकते हैं कि अगर देश स्वतंत्र नहीं होता है तो हम उपवास करेंगे, अनशन करेंगे। और अनशन आंदोलन गांधी जी ने अर्जुन लाल सेठी से सीखा। आप इस बात को, इसको कोई कहने वाला नहीं है अभी तो, क्योंकि वो इतने बड़े बन गए हैं, हैं क्या काम किया है उसकी बात मना ही नहीं है, लेकिन इनको इतना पीछे धकेल दिया कि अता पता ही नहीं है कि कोई ऐसा एक श्रावक भी था। छोड़िए, तो विषयांतर हो रहा है, फिर भी समझें कि देश में बहुत अच्छे लोग हुए हैं, ऐसे मुनि, ऐसे आचार्य, ऐसे साधक भी हुए हैं जिनने धर्म को एक धारा दी, एक सही दिशा दी, ऐसे श्रावक भी हुए हैं जिनने देश को धन संपत्तियां दी, ऐसे लोग भी हुए हैं कि नीति राजनीति और समाज में बहुत बड़े बड़े काम किए। इसका मतलब है कि आपका जिन शासन जैन समाज बहुत समृद्ध समाज है। हाँ, इस जमाने में भी जरूरत है कि हम अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को जिंदा रखते हुए और देश समाज की सेवा करते हुए अपनी आत्मा की भी सेवा करें। पर से भिन्न स्वात्म स्वरूप को समझने का सम्यक पुरुषार्थ करें। सज्जनों, चतुर्मास जो बात सुनना चाहते हैं वो बात अभी बोलना मुश्किल है,
एक तो ऐसी बात है, अभी आप कह रहे थे ना कि अभी मुनि संघ की इच्छा को जान लेना चाहिए, तो अभी मुनि संघ की इच्छा जानने में भी जाएगा ना फिर थोड़ा तो समय। लेकिन एक बात आप समझें सभी कि अगर हम घोषणा करें तो ऐसे लगेगा कि हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है, लेकिन इतना तो निश्चय समझिए कि चतुर्मास मुनि संघ का इतना तो समझिए कि कहीं ना कहीं दिल्ली में ही होगा। एक बार अभी तक तो, दूसरी बात कि फिर ऐसे लगेगा हम एक नाम बोलेंगे तो कि सबको गिला है कि हमें बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। कहीं भी रहेंगे रहेंगे तो आपके आसपास ही ना, कनॉट प्लेस, भरत स्थली, वहाँ के दोनों बड़े बड़े मंदिर, अग्रवाल जैन मंदिर, खंडेलवाल जैन मंदिर, वहाँ भी प्रांगण काफ़ी विस्तृत है, लेकिन श्रावकों के घर वहाँ दो चार ही। ऐसे में एक बात भी विचार में आती है कि जब शहर में आए हैं तो श्रावकों की बस्तियों के पास जाना ज़्यादा ठीक है, अच्छा ये बात नहीं, एक बात आप समझे नहीं पूरी बात को कि माने श्रावकों के घर तक साधु पहुंच जाएं फिर, क्योंकि ऐसे तो तीर्थों पर अभी तीन चार चतुर्मास हुए, बहुत अच्छे से हुए, 40-45 परिवार वहां भी बस जाते थे, यहाँ भी बस जाएंगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन शहर की तरफ गए हैं तो शहर के लोगों के घरों में भी साधु पहुंच जाएं, उस तरह का एक मानस है। तो अभी जो भ्रमण हो रहा है ना, अच्छा अभी जो भ्रमण हो रहा है उस भ्रमण के पीछे भी यही कारण है कि श्रावकों में जागृति आए और घरों घरों में साधु के चरण लगे। तो ये बात हुई, इस पर फाइनल तो होगा जब होगा, अभी इतना समझें। उसके बाद सुबह भी आग्रह कर रहे थे नमोकार नवकार संगठन वाले, उनकी भावनाएं भी हैं, फिर कृष्णा नगर वाले तो जोर शोर से कर रहे हैं, कैलाश नगर वाले भी कर रहे हैं, और ऋषभ बिहार वाले तो कर ही रहे हैं। फिलहाल अपन इतना समझें कि जहाँ जहाँ जाके आ गए और थोड़ा थोड़ा समय मिल भी गया, तो जिनको अभी नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। राजा बाजार में छोटा समाज जरूर है मगर उसे बड़ा बनाना, गुरुदेव आपकी आज्ञा से बड़ा हो जाएगा समाज, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ बड़ा बनाने के लिए हम आपको बुला रहे हैं, आप आएंगे तो समाज और बढ़ेगा वहाँ पे। वो अपन और देखते हैं, कहीं कोई प्रतिकूलता जैसी स्थिति बनेगी तो सारे ऑप्शन खुले रहेंगे, लेकिन इतने बड़े शहर में पहले भगवान के नाम से भी एक नगर है, उनके बेटे के नाम से भी नगर है, तो डिक्लेयर करना कर ये तो। और राजा बाजार, राजा बाजार देखो, राजा बाजार अभी राजा बाजार आदिनाथ भगवान की। तो अभी जहां तक समय मिल चुका है वहां अपन थोड़ा सा और मिले, उम्मीद नहीं, आपने कहा था कि चतुर्मास कहीं भी हो मिलना चाहिए पूरी दिल्ली को, तो हम सोचते हैं कि चतुर्मास की स्थापना भले अभी जहां नहीं गए वहां हो जाए। नहीं अच्छा, नहीं अभी उठिए मत, ऐसा कुछ मत करिए, शोर मत करिए,
और अभी तो और बात करेंगे संघ में। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, आरती उतारो रे उमितो, उमितो आरती उतारो रे विमल सागरी की, ओ जय सूरी विमल सागर जय जय हो, जय सूरी विमल सागर जय जय हो। सनमती सागर जी ओ क्या क्या महिमा उनकी गाऊं, तपस्वी साधु जी, तपस्वी साधु जी, जो अन्न रस त्याग करे मट्ठा जलाहार कर, अन्न रस त्याग करे मट्ठा जलाहार कर, इंद्रिय जी तयानी के उमितो, उमितो आरती उतारो रे सनमती जय जय हो, जय सूरी सनमति सागर जय जय हो। श्री सुनील सागर गुरु ज्ञानी रत्न त्रय गुण भंडारी, श्री तने वनवी बसावीलू, गुरुजी तारा, गुरुजी तारा तोपला गुली, गुरुजी तारा पावेला गुली, गुरुजी तारा तोपला गुली, गुरुजी तारा पावेला गुली, ओ हस्ता हुआ वीत रागी चेरा सोनी सूरत रंगे सुनेरा, हस्ता हुआ वीत सोनी सूरत रंग सुरेरा, तेरी प्रतिमा खंबा खंबा गुरुवराओ, 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 गुरुवराओ। जगमगाट जगमगाट देखो ये जगमगाट, बताया संगपति को, बताया संगपति को, जो प्राकृति भाषाओं में रचते ग्रंथों को, रचते ग्रंथों को, जो प्राकृत में उपदेश देते भव्य का उतार करते, प्राकृत में उपदेश देते भव्य का उतार कर, मोरे से रहते जो उमितो, उमितो आरती उतारो रे सुनील सागर की, ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भंडार की स्वासन शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव की। सुनील सागर गुरुदेव की करो आरती, करो आरती, ओ सुनील सागर, सुनील सागर आचार्य देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा, भागी चंद जी के राज दुलारे, मामुन्नी के आँखों के तारे, ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, गुरुवर या सबसे न्यारे, आ जो भी ध्यान लगाए भगवान चित फल पाए, रेखाए बदल जाए, हाथ की करो आरती, करो आरती, सुनील सागर, सुनील सागर आचार्य गुरुदेव, सुनील सागर, सुनील सागर आचार्य गुरुदेव, जय जय गुरुदेव का।
जस जिले में जिनेश्वर दीक्षा दीनी सनमत गुरु की कर कमलों से मामिर जयंती पतित पावनी आदि गुरु के वंश मामिर कीर्ति समा छत्तीसगढ़ को नदे भट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साधली करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की से ओ जिनका गुरुदेव का आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।